कुछ ऐसा कर मैया, झोली खुशियों से भर जाए। कुछ ऐसा कर मैया, झोली खुशियों से भर जाए। तू फिर नयन को देख ले माँ, तू फिर नयन को देख ले माँ, ये लाल तुम्हारा कर जाए। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं जिसे माता गर्जिया मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ की मार्केट कैसी है, आप वहाँ से क्या क्या खरीद सकते हैं। वैसे तो है नॉर्मली अगर आप मंदिर में आओगे तो प्रसाद ही खरीदोगे, तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ का मार्केट। दोस्तों एक समय ऐसा था जब यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ रहती थी, श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में आते थे, लेकिन आज के दौर में कोरोना के चलते हुए काफ़ी मात्रा में जो भीड़ थी वो कम हुई है, जिसका असर सीधा सीधा यहाँ की दुकानों पे पड़ा है। दोस्तों अगर आपके पास समय है तो जो ये निर्देश दिए गए हैं इन्हें आप वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हैं। और ये जो प्रांगण है यहाँ पे लंगर लगते हैं, आप आएं और कभी लंगर का स्वाद लें। और ये यहाँ का कार्यालय है, आप यहाँ से कुछ भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो मंदिर में शादी या विवाह करते हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पे शादियाँ होती हैं। दोस्तों अगर मैं कहानियों की बात करूँ तो कहते हैं कि यार ये जो मंदिर है ये बह के आया था और यहीं पे रुक गया, तभी से यहाँ पे पूजा पाठ हुई और माता का एक स्वरूप यहाँ पे दिया गया। और दोस्तों जैसे ही आप पुल से नीचे उतरते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार की दुकानें मिल जाती हैं, यहाँ से भी आप मंदिर के लिए प्रसाद सामग्री ले सकते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं माता के दरबार, आइए दिखाते हैं आपको वो पौड़ियां जो माता के दरबार तक आपको पहुंचाती हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं माता के द्वार, तो आप रुपए से वीडियो की स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ऐसा कर मैया, झोली खुशियों से भर जाए। कुछ ऐसा कर मैया, झोली खुशियों से भर जाए। तू फिर नयन को देख ले माँ, तू फिर नयन को देख ले माँ, ये लाल तुम्हारा कर जाए। कुछ ऐसा कर मैया, झोली खुशियों से भर जाए। तेरे नयन को देख ले माँ, तू फिर नयन को देख ले माँ, ये लाल तुम्हारा कर जाए। कुछ ऐसा कर
कर मैया झोली खुशियों से भर जाए। तो एक समय ऐसा था जब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ रहती थी, चहल पहल रहती थी। बट कोरोना काल में यहाँ पे जो पब्लिक सिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है, यानी जो भक्तगण है वो काफ़ी कम मात्रा में आ रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कैसा माहौल है अभी फिलहाल। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं यहाँ के जो प्राचीन भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ कैसा है। दोस्तों वैसे तो माता के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप है शेरावाली माता का, और यहीं से रास्ता जाता है भैरव बाबा मंदिर की ओर। हम वहीं जा रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो के स्किप बना करें, वीडियो को पूरा देखें। आपको दिखाते हैं भैरव बाबा का मंदिर। महिमा अति भारी, ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका भोले जानत अविवेका, कणवाक्षर में शोभित कणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव, तन मन धन सब कुछ है तेरा, भोले सब कुछ है तेरा, त्रिलोकी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, भोले जी का भोले जी को समर्पण क्या लागे मेरा, ओम हरे 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 महादेव, ओम त्रिगुण महाकाल शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।